हेलो जी, सत श्री अकाल। स्वागत है तुहाडा साडे चैनल नू सस दे रिएक्शन ते, जिथे मम्मा और मैं मिलके डेली कोई ना कोई नए वीडियोस ते रिएक्ट कर दिया। साडे सब्सक्राइबर सानू कहंदे है कि सानू ते लगदा ही नहीं तुसी नू सस हैगे हो, तुसी मामा ते ही लगदे हो। बिल्कुल मामा ते जान कोई नहीं है ते कहंदे नाम पढ़ के चैनल दा समझ आंदा है कि नू सस हैगे हो। ते हां भाई, तुसी सारे भी एवे रहो, अपने कार्य प्यार नाल मिठास नाल लेना चाहिए। हसदे रहो, खेडते रहो, छोटी सी जिंदगी है, रो के की करना। असि अज कुछ बहुत चेंज एक वीडियो करन जा रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम तो कॉमेडी 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 चल रहा सी। ते असि मौलाना तारिक जमील जी ते कोई वीडियो नहीं पाई सी। और तुहानू याद होएगा मम्मा, जदों असि चैनल स्टार्ट कीता सी 6 महीने पहले, ते असि मौलाना तारिक जमील जी दी वीडियोस बहुत पांदे सी, बहुत पांदे सी। ते सानू बहुत समझ आंदी सी उहनां दे बयान, क्योंकि ईजी लैंग्वेज च उह बोलदे ने। ते साडे सब्सक्राइबर्स भी वारी वारी कॉमेंट करदे सी कि मौलाना तारिक जमील जी दी वीडियो पाओ। अज बहुत टाइम बाद एक सब्सक्राइबर ने सानू डिमांड की है कि मौलाना तारिक जमील जी दी आमिर खान, जो बॉलीवुड का एक बहुत ही फेमस एक्टर है, उन्हां दा कोई इंट्रोडक्शन की लोड़ नहीं है, देश विदेश जो बहुत ही फेमस ने, उन्हां नाल मुलाकात हुई सी मौलाना तारिक जमील जी दी। और यह मुलाकात हुई सी हज दे टाइम ते 2012 विच। अज ओ जो मीटिंग हुई सी उन्हां बारे मौलाना जी की दस रहे ने आमिर खान जी बारे, ते सानू पता लगेगा, क्योंकि आमिर खान की एक्टिंग बहुत अच्छी है, इंडिया के लोग उन्होंने बहुत प्यार करते हैं। ते हम देखते हैं कि मौलाना जी के की विचार ने आमिर खान बारे। तुसीं भी देखो, असीं भी देखते हैं। अगर तुसीं हुण तक साडे चैनल नूं सबसक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसक्राइब कर लो, ता ही वीडियो देखोगे। आमिर खान जी मौलाना जी नाल बैठे आ रहे हैं। वाह, साडे चैनल नूं भी सबसक्राइब कर लेना मौलाना जी दे चैनल दे नाल नाल। दावत मुख्तसर हो, अखलाक बुलंद हो, तीर की तरह अंदर बात जाएगी। बातें लंबी हैं, अखलाक से खाली हैं, ऊपर से गुजर जाती। लोगों को मोहब्बत दो, पता नहीं क्या क्या हीरे बिखरे पड़े। मेरी आमिर खान से मुलाकात हुई, अल्लाह की कसम बतौर इंसान करोड़ों में एक आदमी, करोड़ों में। वो मुझसे क्या मुतासर होता जितना मैं उससे मुतासर हुआ। उसने कुछ बातें अपनी मुझे कही, आपने किसी को बतानी नहीं, लेकिन मैंने कहा आमिर, मेरा जी चाहता है कि मैं तेरे बैत ही हो जाऊं। कमाल है यार, तू इतना आली इंसान, अगर एक खता उसमें है तो बाकियों को उसे आंखें मत कर ले, वो छोड़ो जी, वही वो कोई बंदा, इतनी सिफात वाला इंसान कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन लोग ऐसे अजीब, मैं मिल के नीचे उतरा हूं जी, फिर जी उसने तौबा कर ली जी, उसने जी फिर 4 महीने का इरादा कर लिया, उसने जी दाढ़ी रखने की नीयत कर ली। मैं कहा 2 लीटर मेरे सिरे से मार, क्या मैं उन्होंने मिलिया क्यों? ऐसे बेवकूफ बहुत लोग दूसरा नहीं लाए। अब तक उसके मैसेज आते कि मैं जिंदगी में किसी से मुतासर नहीं हुआ, तुम पहले आदमी हो जिससे मैं मुतासर हूं। मैंने कोई जादू किया? सिर्फ मोहब्बत करो सब नाल, लोगों को मोहब्बत दो, करीबों की। मैं जब गया, बड़ी मुश्किल से अल्लाह ने, मुलाकात का कोई रास्ता ही नहीं था, वो मुझे नहीं जानता था, मैं उसे नहीं जानता था, तो कोई मौका नहीं मिल रहा था मुलाकात का। तो अल्लाह ने शाहिद अफरीदी को भेज दिया, शाहिद अफरीदी उसकी दोस्ती थी, हमारा जो क्रिकेटर है। मैंने उससे फ़ोन पर कहा यार मेरी मुलाकात तो करा, उसने मुलाकात करवाई, तो उसने मुझे कहा आधा घंटा है, आधा घंटा। जब मैं पहुंचा, मैक्सिमम पौना घंटा, मैंने ठीक। मैं गया तो वो सहमा हुआ चेहरा, कि भाई मौलाना आ गया, पता नहीं क्या कहेंगे, भाई ये तो क्या कर रहा है, तो हराम कर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, तौबा कर, अभी तेरे लिए दोज़ख का फैसला हो गया, पता नहीं क्या हो गया, डरा हुआ सहमा हुआ था। तो अब वो बेचारा ऐसे बैठा हुआ,
تو میں نے اس سے بیٹھتے فلموں کی باتیں شروع کر دی. اور تھوڑی دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ فرام 60 to 72 جو فلم انڈسٹری کو جتنا میں جانتا تھا اتنا وہ نہیں جانتا تھا. تو اس کے اوپر میرے علم کا روپ پڑ گیا, اس کی لائن کا علم تھا. تو حیران پریشان, یہ واس تو ہو نہیں رہا. تو کبھی دلیپ کمار کی باتیں شروع ہو گئیں, کبھی راج کپور کی شروع ہو گئیں, اور کبھی محبوب صاحب شروع ہو گئے, کبھی مدن موہن شروع ہو گئے. وہ آدھا گھنٹہ تو یوں ہی گزر گیا. تو آدھے گھنٹے کے بعد میں نے کہا جی ہمارا تو ٹائم اوور کا نہیں, اٹھیں چلے ادھر چل کے بیٹھتے. میں کھانے کی ٹیبل پر تھے تو وہاں جا کے بیٹھ گئے. پھر وہیں باتیں شروع ہو گئیں. جب اس کا سارا خوف دور ہو گیا اور ریلیکس ہو گیا, اس میں پونے گھنٹے سے 50 منٹ گزر گئے تھے, تو پھر میں نے کہا عامر بھائی آپ حج پہ آئے ہیں, اگر آپ اجازت دیں تو آپ کو اپنے نبی کا حج سنو. کہنے لگے ہاں جی ضرور سنائی. پھر میں 1.25 گھنٹہ بولتا رہا اور وہ ایسے کر کے یہاں سے وہ یوں نہیں ہوا, 1.25 گھنٹہ ایسے بیٹھ کے یوں سنتا, ہلا نہیں اپنی جگہ سے. لوگ محبت کے بھوکے ہیں, تم فتوی دینا شروع کر دیتے. 2 گھنٹے کی ملاقات کے بعد جب ہم نکلے تو نیچے تک چھوڑنے آئے عامر خان. حج کے بعد میں نے کہا ایک ملاقات اور ہو جائے گا ضرور ہوگی. پھر اس کا میسج آیا کہ میں مدینے چلا گیا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. میں نے کہا میں مدینے آ جاؤں گا, میں مدینے پہلے ہو آیا تھا حج سے پہلے. تو اس نے کہا کہ آپ 14 تاریخ کو آ جائیں, 4 سے 6 کا ٹائم میں نے آپ کے لیے رکھا ہے. تو میں جنید اور ایک اور ساتھی ہم دوبارہ وہاں چلے گئے 4 بجے. 4:15 ہم اس کے ساتھ ہماری سٹنگ شروع ہوئی. 4:15 سے 10 تک 6 گھنٹے مسلسل, اور اس کے ماتھے پہ ذرا نشان نہیں آیا کہ میں بور ہو رہا ہوں. اور اس کے بعد ہم اٹھے, اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا کہ ہم اٹھ کے چلے جائیں. محبت, اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں. حج پہ کیسے آ گئے؟ ماں نے کہا تھا. میں نے کہا تجھے کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اماں نے کہا بیٹا مجھے گفٹ نہیں چاہیے, مجھے حج کرا دو. حج پہ چل پڑ. 8 عورتیں خدمت کے لیے ماں کی, 4 عورتیں ماں کی خدمت کے لیے, اور 8 نوکر ساتھ. پورے حج میں ماں کی ویل چیئر خود چل رہی, کسی کو ہاتھ نہیں لگانے. سارا پنڈ آپ کمائے. تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا, کلمہ تو نظر آتا ہے نا, اسی کی قدر کرو. میرا کزن تھا فوت ہو گیا, اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے لے. میں کہا بھائی خیزر آنا نماز پڑھی بس. اس نے یا عید کی 2 نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا. ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا, وہ چلا رہا تھا, میں آگے بڑھا, مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکے ہیں, نہیں میں نے شرم ہوں. میں اس کا منہ دیکھنے لگا, ہر عیب اس کے اندر تھا. طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکے ہیں, نہیں میں نے شرم ہوں. پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے. عیب نہ دیکھا کرو, خوبیاں دیکھا کرو, اچھائیاں دیکھا کرو. محبت ایک جادو ہے, جادو سر چڑھ کے بولتا ہے. چپ رہنا سیکھو, چپ رہنا سیکھو. ایک واقعہ ہر جگہ سنایا, یعنی آخری بیان ہے اس سفر کا, اسی پر بیان ختم کروں گا. ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ. ماسی شریفہ مشہور ہو گئی پورے برطانیہ. 85 میں مری تھی, ہمارے کپڑے دھوتی تھی. تو آ گئی میری بہن کے پاس, کہنے لگی بی بی اے میری نوواں میرے نال بڑا لڑتی ہیں, لڑتی خود تھی. تو میں نے کوئی تلیز دے, یہ ساری میری نوکر بن گئی. دیکھو ایک بات بتا کے پھر یہ سنا, ساس سسر اور بہو یہ ایک انتہائی پینک پیدا کرنے والا رشتہ بن چکا, اس لیے کہ ساس اور سسر حد سے آگے بڑھے ہوئے ہیں ہمارے معاشرے میں. ساس اور سسر کا بہو پہ شرم کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. وہ پہلے سے ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں
पुत्र की शादी करनी सानू कोई रोटी तो खवावे चाह पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतज़ाम करूँ, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतज़ाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। फिर एक इम्तिहान पड़ गया, मैं इज्तिमा में था प्राइमेंट के पिछले साल, उसका मैसेज आ गया मेरी फिल्म तलाश आ रही उसकी कामयाबी की दुआ करो। मैं कहा अब क्या करूं, जवाब देना भी जरूरी, दुआ भी नहीं हो सकती, क्या करूं। तो जब वो मैसेज आया तो मेरे सामने कोई 10-12 उलमा बैठे थे, मैंने कहा भाई ये मैसेज है इसका जवाब काजी, ये हमारा फील्ड नहीं तुम्हारा, तू जवाब दे। मैं सारा दिन सोचता रहा, मुझे कोई जवाब समझ में नहीं आया कि जान भी बच जाए जवाब भी चला जाए। फिर अगला दिन भी गुजर गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं असर का वजू कर रहा था, एकदम अल्लाह ने एक मजमून दिल में डाला, तो मैंने फौरन बैठ कर उसको मैसेज किया कि अमर भाई जो क्रिएटिव होता है ना जहन, ये अल्लाह किसी किसी को देता है, तख्लीकी जहन ये अल्लाह ताला किसी किसी को देता है, हर एक को नहीं देता, और ये अल्लाह की बहुत बड़ी अता होती है। और मैंने तुम्हारे साथ जो वक्त गुजारा उसमें मैंने देखा कि अल्लाह ने तुम्हें तख्लीकी जहन दिया है, तुम क्रिएटर हो। और जो लोग इस टाइप के होते हैं वो कामयाबी नाकामी की परवाह नहीं करते, वो अपने काम से काम करते हैं। आपका भाई। तो फौरन उसका मैसेज आया, आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। बात हो गई, फिर मैं था हांगकांग, मैंने वहाँ से उसको मैसेज, देखो किसी मसरूफ आदमी को बराह रास्त फ़ोन ना किया करो, मैसेज किया करो कि मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं इसका बहुत सताया हुआ, बहुत सताया। फ़ोन कर देने वाकई। तो मैंने उसे मैसेज किया कि मैं तारिक जमील हांगकांग में, आपको फ़ोन कर सकता हूँ, मैं आपको फ़ोन कर सकता, मैं हमेशा उसे, अब भी मेरा फ़ोन पर रब्ता है, मैं पहले उसे मैसेज देता हूँ मैं आपको फ़ोन कर सकता हूँ, अगर उसका जवाब ना आए फिर मैं नहीं करता हूँ। कभी वो खुद कर लेता है, कभी वो मैसेज दे देता है कॉल कर लें। तो थोड़ी देर बाद उसका फ़ोन आ गया, क्योंकि मैं इस वक्त दिल्ली में हूँ, कॉन्फ्रेंस में था, तो मैंने आपका मैसेज देखा था, मैं उठ के बाहर आ गया हूँ, अभी आपसे बात करके फिर मैं जाऊँगा। तो उसे बातें करते करते कहने लगा आपकी दुआ से मेरी फिल्म कामयाब हो गई। मैं कह यार मैं कोई नहीं की थी, भाइयों मोहब्बतें बांटो, नफरत तो पहले ही बहुत फैल जाए। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरते को थाम ले सब। बुरे को बुरा कहना कौन सा मुश्किल काम है, बुरे का हाथ पकड़ कर सीने से लगाना, बुराई से निकालना, काम तो ये है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने कहा जी वो जो नौजवान आपकी मजलिस में बैठते ना, आपका उससे ज़रा ताल्लुक है, वो शराब पीता है, आप उसको ना बिठाया करें। अच्छा, उसकी एक कमी की वजह से बाकी खूबियों से महरूम हो जाऊं? अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। अल्लाह ने कहा है 100 नंबर लोगे तो पास करूंगा, अल्लाह ने कहा नेकियां ज्यादा होंगी गुनाह थोड़े होंगे पास कर दूंगा। मेरे अपने इलाके का वाकया, एक जमींदार थे बड़े, गालियां भी बहुत देते थे, जिक्र भी बहुत करते थे, यानी ये तो मैंने आपने सामने देखा है, तुसी पढ़ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसे नौकर होते हैं, यानी मैं आंखों देखा बता रहा हूँ। उसका फिर दोबारा दरोशे पढ़ना शुरू, फिर उधर 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 वो फौत हो गए। वो ख्वाब में किसी को मिले, उसने बाकायदा सवाल किया, मियाँ साहब आप तो गालियाँ बहुत निकालते थे, आपके साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मेरा जिक्र और गालियां तोली, मेरा जिक्र बढ़ गया, बख्शिश हो गई। भाइयों कदर करो, कदर करो। मैं आपको यानी अंदर के ध्यानदारी से कह रहा हूं, बतौर इंसान कमाल इंसान। जुनैद जमशेद का के बारे में मुझे पता चला कि साथी उसके घर खाना नहीं खाते कि हराम कमाई, तो वो बहुत डिसहार्टेड है। नया नया तबलीग में आ रहा था, मेरा आगे कहीं सफ़र था, जमात में जा रहे थे, कराची से आगे जाना था, तो मैंने उसे फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, मैं खाना तेरे घर खाऊंगा। तो वो कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। फिर कहने लगा मेरे घर? मैंने कहा हाँ तुम्हारे घर। क्या वाकई मेरे घर? मैंने कहा हाँ वाकई तुम्हारे घर।
कहा ये तो मेरा तो घर तक कोई नहीं खाना खाता, कहते हराम है। मैंने कहा मैं इतना बड़ा मौलवी नहीं हूँ। इतना प्यार ना रिस्पेक्ट दे दे। कुछ अरसे बाद वो 4 महीने के लिए जमात में चल रहा था। लोगों को मोहब्बत। मैं रायमंड में बैठा था, एक शख्स आ गया, कहा जी वो मुबारक सिनेमा लाहौर में था, उसका मालिक आ रहा था चंद दिनों से रायमंड, आज वो कुछ घर से लेकर आया तो एक दी वहाँ किसी रायमंड में किसी को पेश की, तो उसने इनकार कर दिया, मैं नहीं खाता, आपकी कमाई हराम है, तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा। मैंने कहा उसे ले आओ जल्दी से मेरे पास। वो उसको लेकर आए तो मैंने कहा जी क्या नाम है, कहा जी हारून, क्या करते हो, तो उसने सर यूँ कर लिया, मुझे छोटा सा बिजनेस है। मैंने कहा क्या बिजनेस है, छोटा मोटा बिजनेस। मैंने कहा भाई बताओ तो सही, कहीं सिनेमा है सिनेमा। मैंने कहा कौन सा सिनेमा, मुबारक सिनेमा, मुबारक। मैंने कहा मुबारक, हाँ वो जिसमें शमा परवाना मैंने देखी थी, वो मुबारक साहब उसके जो ओनर थे, पहले उनकी फ़ोटो आती थी, मर गए थे वो, उनका सैड म्यूज़िक चलता था, बाद में फिल्म चलती थी, वो मुझे ऐसे देखने लगा ये क्या कह रहा है। और मैंने उसे यूं दोस्ती लगाई, दिन के बाद देखा तो इतने बड़ी दाढ़ी के साथ 4 महीने लगा। लोग फतवे देने में बड़ी जल्दी करते, बदगुमान बड़ी जल्दी होते, किसी में 100 खूबियां हो एक कमी हो सारी पे कांटा फेर देते। मैं अपने डेरे में था, एक इंजीनियर पढ़ा लिखा बड़ा आ गया, तुम तबलीग वाले मुनाफिक हो, तुम तबलीग वाले जो है ऊपर से कुछ हो अंदर से कुछ हो, ये करते ये करते ये करते, शुरू शुरू शुरू। मेरे डेरे में था, मुझे बोलना नहीं था, मेरा मेहमान था, मेहमान तो जूता भी मारे तो हमें सहने का हुक्म है। मैं चुप करके सुनता रहा। जब वो सारा कुछ बोल बैठा तो मैंने कहा भाई साहब अल्लाह ताला ने परफेक्शन नहीं मांगी, काउंटिंग कहा है, काउंटिंग करूँगा। 100 नंबर नहीं मांगे, कहा है मैं काउंटिंग करूंगा, अगर तुम्हारे 51 हुए तो बाकी माफ़ कर दूंगा। तो जो गुनाह ऐब सवाब आप बता रहे हैं, मुमकिन है अल्लाह माफ़ कर दे उन नेकियों की वजह से जो तबलीग वाले कर रहे हैं। और किसी को बुरा कहना ये अपने बुरा होने की पहली निशानी। मेरे नबी ने फरमाया किसी के बुरा होने के लिए यही काफ़ी है कि दूसरे को बुरा कहे। ये मैं उसे नहीं कहा, ये वैसे आपको बता रहा हूँ, उसको ये मैंने नहीं कहा, आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे नबी ने फरमाया कि किसी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि दूसरों को बुरा समझो। मैंने कहा अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, काउंटिंग। और मैंने कहा ये जो हुकूमत पाकिस्तान है ये कोई इतनी अच्छी हुकूमत नहीं है, लेकिन ये भी अपने रियाया के लिए इतनी रहम दिल है कि जो लड़का 33 नंबर ले उसको पास कर देते हैं, 67 नंबर नहीं लिए कोई भी नहीं कहता कि तू फेल है, सब कहते तू पास है, तू पास है, तू पास है। फेल होने का ताना कोई नहीं दे सकता, पास है, ठीक है। मैंने कहा अल्लाह इस हुकूमत पाकिस्तान से करोड़ों गुना ज़्यादा मेहरबान है, पता नहीं कौन सी नेकी पे मेहरबान अगर जाओ। लेकिन जो का मिजाज बन गया है तनकीद तनकीद, यहाँ तक एक कहने लो जी देखो जी नूर जहाँ 27 रमज़ान मर गई शब कदर मर गए, मैं कहा अल्लाह से केस करो, अल्लाह से मुकदमा करो भाई, नूर जहाँ 27 रमज़ान को क्यों मर गई, 27 रमज़ान को कोई आदमी अपनी मर्जी से मर सकता है, इतनी मुकद्दस रात इतना मुकद्दस दिन। वीडियो देखी है मौलाना तारिक जमील जी की, जो उन्होंने मुलाकात हुई सी 2 बार आमिर खान जी नाल, उन्होंने बारे उन्होंने दसिया। तो मैं तो पहले मौलाना जी बारे कहना चाहूंगी कि किन्नी अच्छी पर्सनालिटी है इन्हां दी, कि किन्नी अच्छी सोच है, बिल्कुल, कि तुसी किसी दे गुनाह ना देखो, गुण देखो, गुण देखो। कहते हैं अल्लाह काउंटिंग करेगा, हाँ। देखेगा कि तू फर्स्ट है कि तू सेकंड है, अगर 51 अच्छी चीजा की ना थोड़ी वो काउंट होनगियां। मैं इहदा मतलब ऐ नहीं कि तुसी गुनाह करते जाओ, नहीं, गुनाह अपने धीरे धीरे घटाओ, नेकियां अपने बधाओ। और देखो आमिर खान ऊपर काफी जिवें क्लैश रहा, काफी लोग उन्होंने कहते हैं इन्हों फतवा लगना चाहिए, और क्योंकि वो फिल्म स्टार ने, शायद अलाउड नहीं होता मुस्लिम्स विच,
लेकिन फिर भी उन्होंने किस तरह उन्होंने छे घंटे मुलाकात की थी, जिसलिए उन्हें कहा कि मेरी फिल्म वास्ते दुआ करना, तो उन्होंने कितना अच्छा उन्होंने आंसर दिता। यह जो नमाज पढ़ रही सी थी उन्होंने अल्लाह ने एक उन्होंने आंसर भेजा कि हर कोई क्रिएटिव नहीं हो सकता, तेनू अल्लाह ने बनाया है, तू ओ ना देख, तू ए देख, तू अच्छा काम कर रहा है, अच्छा बुरा तू आपे करेगा। बाकी जीवन ने बहुत अच्छी गल दिखाई है कि लोगों के गुण देखो, उन्होंने मोहब्बत करो, प्यार करो, है ना। जरूरी नहीं है कि सबनों नफरत ना ही चलिया जाए या सबनों सब दे जो बुराइयां ने उन्होंने ना देखो। किदा कह रहे सी कि मेरे उन्होंने घर कोई खांदा नहीं सी, कि जुनैद जमशेद जी दे घर, कि वो कहंदे सी कि मेरे घर कोई खांदा नहीं, कि मेरी हराम दी कमाई, ए कहंदे मैं तेरे घर रोटी खानी है। और फिर देखो किस तरह उन्होंने आज के फेमस ने उन्होंने लोग बयान सुनदे सी। हां फिर बाकी है, तुसी किसी नाल अगर मोहब्बत रखोगे ना, वो बाकी तुहाडी तरफ अट्रैक्ट जरूर होएगा। सानू ते बयान बहुत अच्छा लग्या, बहुत कुछ सुनन नू मिलया, बहुत कुछ सीखन नू मिलया, सीखन नू मिलया। तुहानू की कुछ समझ आया, साडा रिएक्शन किस तरह दा लग्या, सानू नीचे कमेंट सेक्शन विच जरूर दसना जी। साडी वीडियो नू लाइक करो, साडे चैनल नू भी सबसक्राइब करना जी। सत श्री अकाल।